नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित, तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल अफगानिस्तान में यूएसए के एग्जिट से संबंधित है। आर्टिकल में कहा गया है, कुछ सालों तक वियतनाम वार लड़ने के बाद यूएसए को यह समझ में आ गया था कि वो वियतनाम का युद्ध नहीं जीतने वाले हैं, तो बस वो अपनी इज्जत बचा के वियतनाम को छोड़ के जाना चाहते थे। उसी प्रकार से आज के समय अफगानिस्तान में भी यूएसए को यह समझ में आ चुका है कि हम अफगानिस्तान का युद्ध नहीं जीतने वाले हैं, तो बस वो अपनी इज्जत बचा के अफगानिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं। मतलब वियतनाम वार और अफगानिस्तान वार के बीच कंपैरिजन ड्रा किया गया है इस आर्टिकल में। आप जीएस पेपर 2 के इस आर्टिकल से, इवन जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंपैरिजन देखो तभी ड्रा हो सकेगा अगर हमें वियतनाम वार के बेसिक्स पता होगा। तो पहले हम आर्टिकल में वियतनाम वार से जुड़े कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं। देखो वियतनाम में 1860 से लेके 1941 के बीच रूल था फ्रांस का, यानी वियतनाम फ्रांस की एक कॉलोनी था। जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, उसी प्रकार से वियतनाम फ्रांस की एक कॉलोनी था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में 1941 में वियतनाम पर कब्जा इस्टाब्लिश हो जाता है जापान का। जापान अपनी एक पपेट गवर्नमेंट यानी कठपुतली गवर्नमेंट इस्टाब्लिश करता है यहाँ पर। उसके बाद देखो जापान सेकेंड वर्ल्ड वार हार जाता है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाते हैं तो जापान सरेंडर कर देता है। तो फ्रांस, जिसकी कॉलोनी था वियतनाम 1941 तक, फ्रांस को लगता है जापान तो अब हार चुका है, हम हमारी कॉलोनी फिर से हासिल कर लेंगे, यानी फिर से कब्जा इस्टाब्लिश कर लेंगे वियतनाम में। तो फ्रांस अपनी सेना को भेजता है वियतनाम में फिर से वियतनाम को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। लेकिन वियतनामीज नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट ये फ्रांस की आर्मी के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि वियतनाम फ्रांस की कॉलोनी फिर से ना बने, वियतनाम एक आजाद देश बने। इनको लीड किया गया था किसके द्वारा? हो ची मिन के द्वारा। एक कोएलिशन बना था उस समय जिसका नाम था वियत मिन, जिसको लीड किया गया हो ची मिन के द्वारा। स्क्रीन पर आप तस्वीर दे सकते हो ची मिन की। तो 1946 में वार स्टार्ट हो गया वियतनाम में। एक तरफ फ्रांस की आर्मी जो वियतनाम पर फिर से कब्जा इस्टाब्लिश करना चाहती थी, वियतनाम को अपनी कॉलोनी बनाना चाहती थी, दूसरी तरफ वियतनामीज नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट का एक कोलिशन जिसको लीड किया जा रहा था हो ची मिन के द्वारा। ये युद्ध 8 सालों तक चलता रहा। 1946 से लेकर 1954 तक ये युद्ध चलता रहा। फ्रांस इस युद्ध को नहीं जीत सका क्योंकि फ्रांस की जो आर्मी थी काफ़ी डिसऑर्गेनाइज थी, अच्छे से मोबिलाइज नहीं थी। फ्रांस की आर्मी में जो ट्रूप्स थे उनका मोटिवेशन भी काफ़ी कम था कि वियतनाम को फिर से अपनी कॉलोनी बनाया जाए। तो फ्रांस ये युद्ध हारने के कगार पर आ गया और 1954 के आसपास एक एकॉर्ड साइन हुआ था, जेनेवा एकॉर्ड्स। इस एकॉर्ड्स के तहत ये डिसाइड हुआ था फ्रांस वियतनाम को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जेनेवा एकॉर्ड्स में ये भी तय हुआ था कि वियतनाम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ऊपर का पार्ट नॉर्थ वियतनाम और नीचे का पार्ट साउथ वियतनाम। दोनों के बीच की जो लाइन है ये है 17th पैरेलल। तो जेनेवा एकॉर्ड्स के बाद नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टाब्लिश होती है। प्रेसिडेंट बनते हैं हो ची मिन। हो ची मिन वही पर्सन हैं जो 1946 से लेकर 1954 के बीच फ्रांस की आर्मी के खिलाफ जो कोलिशन लड़ाई लड़ रहा था उसको लीड करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट बनते हैं नॉर्थ वियतनाम में। और साउथ वियतनाम में किसका रूल आता है? साउथ वियतनाम में रूल आता है गो डिन डियम का। यहाँ पे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होती है। सो कॉल्ड इसलिए ये जो डिन डियम थे ये डिक्टेटर थे, काफ़ी करप्ट गवर्नमेंट थी, बुद्धिस्ट पर काफ़ी अत्याचार होता है साउथ वियतनाम में। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जेनेवा एकॉर्ड्स में ये भी डिसाइड हुआ था कि ये जो डिवीज़न है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्रेरी है, कुछ समय बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वार ख़त्म नहीं होता, वार चलता रहता है। पहले वार लड़ा जा रहा था फ्रांस की आर्मी के अगेंस्ट, लेकिन अब वार चलता है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। नॉर्थ वियतनाम में जैसा हमने डिस्कस किया
रूल आ गया था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का, जिसको सपोर्ट किया जा रहा था उस समय यूएसएसआर और चाइना के द्वारा, जबकि साउथ वियतनाम में रूल था गो डिन डीएम का, जिसको सपोर्ट किया जा रहा था किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, आमने सामने की लड़ाई तो थी ही नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच, साउथ वियतनाम के अंदर भी वियतकोंग एक कम्युनिस्ट गुरिला फोर्स थी जो साउथ वियतनाम की सरकार को बेदखल करना चाहती थी। फिर से बोलता हूं, साउथ वियतनाम के अंदर भी गोरिलाज थे, कम्युनिस्ट गोरिलाज वियतकोंग नाम से, जो दिन में किसान थे रात को गोरिलाज थे। साउथ वियतनाम में जो रूल था गो डिन डीएम का, जिसे सपोर्ट किया जा रहा था यूएसए और दूसरी कंट्रीज के द्वारा, उसे खत्म करना चाहते थे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आया होगा कि यूएसए आखिरकार साउथ वियतनाम को क्यों सपोर्ट कर रहा था, यूएसए आखिरकार गो डिन डीएम की गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट कर रहा था। इसका आंसर यह है, उस समय देखो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, और नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टैब्लिश हो चुकी थी। यहां पर देखो एक थ्योरी है, डोमिनो थ्योरी। यूएसए को यह लगता था डोमिनो थ्योरी के अकॉर्डिंग नॉर्थ वियतनाम में तो कम्युनिस्ट रूल आ ही चुका है, अगर साउथ वियतनाम में भी कम्युनिस्ट रूल आ जाता है तो पूरे साउथ एशिया में कम्युनिज्म आ जाएगा, यानी यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस इस्टैब्लिश हो जाएगा। साउथ एशिया के देश जैसे थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वो सभी देश भी कम्युनिज्म के आंच से नहीं बच पाएंगे अगर साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट रूल आ जाता है। तो यूएसए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि साउथ वियतनाम में कैसे भी करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टैब्लिश ना हो। यूएसए के द्वारा पहले सपोर्ट दी जाती है पूरी साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट को, अपने एडवाइजर्स भेजे जाते हैं, हथियार दिए जाते हैं, इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना इस्टैब्लिश हो जाए साउथ वियतनाम में। लेकिन 1964 में एक इंसिडेंट होता है गल्फ ऑफ टोनकिन में, यहां पर मैप में देखिए, ये है गल्फ ऑफ टोनकिन, यहां पर यूएसए का एक डिस्ट्रॉयर था मैडोक्स, इस पर अटैक किया जाता है नॉर्थ वियतनाम की पेट्रोल बोट्स के द्वारा, और यूएसए इस इंसिडेंट का फायदा उठा के वियतनाम वार में सीधा सीधा शामिल हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, इससे पहले साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया जा रहा था यूएसए के द्वारा, लेकिन यूएसए सीधा इन्वॉल्व नहीं था इस युद्ध में, लेकिन जैसे ही यह इंसिडेंट होता है यूएसए अपनी आर्मी भेजना स्टार्ट कर देता है वियतनाम में, ताकि साउथ वियतनाम में जो वियतकोंग गोरिला फोर्स है उसको हराया जा सके, और कैसे ना कैसे करके ये इंश्योर किया जाए कि साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट रूल ना इस्टैब्लिश हो सके। बाद में वैसे देखो ये भी एविडेंस मिलता है और कहा जाता है ये इंसिडेंट फेक था, मतलब वास्तव में ऐसा कुछ अटैक नहीं हुआ था, और इस इंसिडेंट को कनकोर्ट किया गया था, फैब्रिकेट किया गया था ताकि एक बहाना मिल सके वियतनाम वार में यूएसए को शामिल होने का। तो यूएसए के इस वार में शामिल होने के कारण यूएसए के जो एलाय कंट्रीज थे उन्होंने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया, तो दो धड़ों के बीच ये लड़ाई थी वियतनाम, एक तरफ एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस साउथ वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, किंगडम ऑफ लाओस, और दूसरी तरफ ये कम्युनिस्ट फोर्सेस जिसमें वियतकोंग जो साउथ वियतनाम के अंदर ही एक गुरिला फोर्स थी, इसके अलावा नॉर्थ वियतनाम, सोवियत यूनियन, चाइना, नॉर्थ कोरिया और कुछ और दूसरे धड़े भी शामिल थे। तो इन दो ग्रुप्स के बीच मेनली लड़ाई थी, एक तरफ कम्युनिस्ट फोर्सेस जो साउथ वियतनाम में भी कम्युनिस्ट रूल इस्टैब्लिश करना चाहती थी, और दूसरी तरफ एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस जो नहीं चाहते थे साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टैब्लिश हो। अब नेक्स्ट देखो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि इस युद्ध को जीता कौन, मतलब युद्ध के दौरान क्या हुआ। युद्ध के दौरान देखो जो एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस थी जैसे यूएसए और यूएसए के एलाय कंट्रीज, इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी जो लड़ाई थी वो वियतकोंग से थी। वियतकोंग एक गोरिला फोर्स थी, दिन के समय ये फार्मर थे और रात के समय ये अटैक करते थे एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस पर। माओ की एक फेमस स्टेटमेंट है, गोरिला युद्ध जीत जाते हैं अगर वो हारते नहीं हैं, और कन्वेंशनल आर्मी हार जाती है अगर वो युद्ध जीतती नहीं है। इस स्टेटमेंट में काफ़ी डेप्थ है। गोरिलाज को सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो युद्ध हारे ना, बेशक ना जीते, क्योंकि अगर वो युद्ध हारेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली वो जीत जाएंगे। कन्वेंशनल जो आर्मी होती है वो लंबे समय तक ये
नहीं सस्टेन कर पाती कि वो युद्ध जीत नहीं रहे हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल आर्मी का जो मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। यही हुआ था वियतनाम वार के समय और यही अभी हो रहा है अफगानिस्तान युद्ध में, और यही हुआ नेपोलियन के समय भी। तो देखो एक समय ऐसा आया यूएसए के ऑलमोस्ट 5 लाख से ज़्यादा सैनिक वियतनाम वार में शामिल थे, लेकिन यूएसए और उनकी अलाइड फोर्सेस को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वियतनाम में जो लड़ाई थी वो आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, गोरिल्ला फोर्स के साथ उनकी लड़ाई थी, टेरेन से वो वाकिफ नहीं थे, टेरेन ऐसा था नदियों से क्रॉस होकर जाना पड़ता था, गांव में लड़ाई लड़नी पड़ती थी, गांव में जो गोरिल्ला फोर्स थी उनको खोजो, उनको डिस्ट्रॉय करो, हाइब्रिड वार था। जैसे देखो कश्मीर में जो वार है एक हाइब्रिड वार है, काफ़ी बार पता नहीं लगता कौन आतंकवादी है कौन नहीं है, तो उसी प्रकार से वियतनाम में भी यूएसए और उनकी अलाइड फोर्सेज की जो लड़ाई थी वो गोरिल्ला फोर्सेस थे, दिन में वो किसान बन जाते थे, रात को वो अटैक करते थे फोर्सेस पर। इसके अलावा देखो वियतकोंग गोरिल्ला फोर्स जो यूएसए के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने इस प्रकार के टनल्स यानी सुरंगें खोदना स्टार्ट कर दी छिपने के लिए। उनकी ये रणनीति थी जैसे ही ऊपर आएंगे यूएसए के जवान, अलग अलग लोकेशन से उनको घेर लिया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। तो यूएसए के सैनिकों की बहुत ज़्यादा मौत होनी स्टार्ट हो गई, हजारों यूएसए के सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस वियतनाम के युद्ध में। इसके बाद देखो यूएसए के सैनिकों की बॉडीज बड़ी संख्या में जब वियतनाम से यूएसए में जाने लगीं तो यूएसए की जनता में एक गुस्सा पनपने लगा। उन्होंने यूएसए की सरकार का विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि भैया आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे सैनिकों को क्यों मरवा रहे हो, हमारी सीधी सीधी कोई लड़ाई नहीं है वियतनाम में, आप ये क्यों इंश्योर करना चाहते हो कि वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना इस्टाब्लिश हो, आप इस युद्ध को ख़त्म कर दो। तो लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि यूएसए वियतनाम वार को समाप्त करके वापस आ जाए। यूएसए की सरकार देखो उस समय अपनी जनता को ये बोला करती थी बस हम वियतनाम का युद्ध जीतने वाले हैं, 3 महीने और 6 महीने और हम बस जीतने की कगार पर हैं। लेकिन TET ऑफेंसिव होता है 1968 में। इस ऑफेंसिव में क्या होता है, नॉर्थ वियतनामीज और वियतकोंग के 70,000 लड़ाके साउथ वियतनाम की प्रमुख सिटीज़ पर अटैक कर देते हैं एक साथ। उनका मकसद ये था कि अर्बन एरियाज पर अगर कब्जा इस्टाब्लिश कर लिया जाए तो साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टाब्लिश हो जाएगी। तो एक साथ देखो 70,000 लड़ाके जब अटैक करते हैं अर्बन सिटीज़ पर तो पूरी दुनिया में ये संदेश जाता है कि यूएसए ये युद्ध नहीं जीतने वाला है। जब इतनी बड़ी संख्या में वो अटैक कर सकते हैं अर्बन सिटीज़ पर तो बहुत साल लग जाएंगे या फिर यूएसए ये युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा। तो इसके बाद तो प्रोटेस्ट होना और भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है यूएसए में। इसके साथ साथ देखो क्या हुआ, चूंकि यूएसए ये युद्ध नहीं जीत रहा था वियतनाम में, लड़ाई लंबी चलती जा रही थी तो यूएसए के सैनिक भी फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। इस प्रकार की घटनाएं होने लगी, माई लाई मैसेकर। इस मैसेकर में क्या हुआ था, एक गांव के लोगों को मार दिया था यूएसए के सैनिकों ने, गांव के लोग निहत्ते थे, ऑलमोस्ट 347 से लेके 504 अनआर्म्ड लोगों की हत्याएं कर दी गई थी यूएसए के सैनिकों के द्वारा। तो उस समय देखो ये सारी तस्वीरें अखबारों में छप रही थी, टीवी भी उस समय आ गया था यूएसए में, वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा चलाई जाने लगी टीवी पर। तो ये कुछ तस्वीरें काफ़ी फेमस हैं वियतनाम वार की, आपने देखी भी होंगी। तो इन सब रीजन्स के कारण वियतनाम वार के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा पनप गया था यूएसए में, यूएसए की जनता बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गई थी वियतनाम वार के। उनको लगने लगा कि हमारी आर्मी इतना ज़्यादा अत्याचार कर रही है, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, हमारे भी सैनिक शहीद हो रहे हैं, हम युद्ध जीत भी नहीं रहे हैं, तो आप बस इस युद्ध को ख़त्म कर दो। तो उस समय रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट बनते हैं, यही नारा देके कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं वियतनाम वार को समाप्त कर दूंगा। अब आप कोरिलेट करना स्टार्ट कीजिए, यूएसए में ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, वो भी ये कहते हैं अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो अफगानिस्तान वार को समाप्त कर दूंगा। तो अब आप कोरिलेशन इस्टाब्लिश करना स्टार्ट कीजिए वियतनाम वार के बीच और अफगानिस्तान युद्ध के बीच। शुरुआत में जब यूएसए वियतनाम वार में शामिल हुआ तो यूएसए का मेन एम था नॉर्थ वियतनाम को हराना, नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। लेकिन वार लंबा चला और यूएसए का फोकस लास्ट में इस बात पर सिमट गया कि कैसे ना कैसे करके सिर्फ इतना इंश्योर कर लिया जाए कि साउथ वियतनाम में नॉर्थ वियतनाम का कब्जा ना हो, यानी साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टाब्लिश ना हो। उसी प्रकार से अफगानिस्तान युद्ध जब स्टार्ट हुआ
तो शुरुआत में यूएसए का फोकस इस बात पर था कि तालिबान को हराना, लेकिन एक समय के बाद अफगानिस्तान में भी यूएसए को समझ में आ गया था कि हम ये युद्ध नहीं जीतने वाले हैं, तो उन्होंने सिर्फ इस बात पर फोकस देना स्टार्ट कर दिया कि सिर्फ ये इंश्योर किया जाए कि तालिबान का कब्जा इस्टेब्लिश ना हो काबुल पर। मतलब यूएसए ने तालिबान को हराने का जो इंटेंशंस दी वो छोड़ दी। दूसरा कोरिलेशन ये है, वियतनाम में मैसिव डिप्लॉयमेंट के बावजूद एक समय में 550,000 के आसपास सैनिक डिप्लॉयड थे यूएसए के वियतनाम में, और मैसिव एयर पावर के बावजूद वियतनाम में स्टेबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश हो सकी यूएसए के द्वारा। उसी प्रकार से अफगानिस्तान में भी एक समय 1,00,000 के आसपास यूएसए के सैनिक डिप्लॉयड थे अफगानिस्तान में। इसके अलावा यूएसए के जो अलाई कंट्रीज हैं उनके भी जवान मौजूद थे अफगानिस्तान में, और मैसिव एयर पावर का सहारा लिया गया, लेकिन अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश की जा सकी यूएसए के द्वारा। तीसरा कोरिलेशन, जिस प्रकार से वियतनाम वार के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन थी यूएसए में, उसी प्रकार से अफगानिस्तान में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है यूएसए का कि अफगानिस्तान युद्ध के खिलाफ अभी फिलहाल पब्लिक ओपिनियन है यूएसए में। चौथा कोरिलेशन, वियतनाम वार को ख़त्म करने के नाम पे रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति बने थे यूएसए के, और उनके एनवॉय थे जिनका नाम था किसिंजर, वो नेगोशिएट कर रहे थे वियतनाम वार को ख़त्म करने के लिए, और उसी प्रकार से राष्ट्रपति बने ट्रंप अफगानिस्तान वार को ख़त्म करने के नाम पे, और तालिबान से अभी बातचीत की जा रही है ट्रंप के स्पेशल एनवॉय जाल में खलील जाद के द्वारा। समझ गए, वियतनाम को वार को ख़त्म करने के लिए स्पेशल एनवॉय थे किसिंजर, और अफगानिस्तान युद्ध को ख़त्म करने के लिए स्पेशल एनवॉय है जाल में खलील जाद, जो तालिबान के साथ फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट कोरिलेशन ये है, वियतनाम वार जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जब यूएसए को यह समझ में आ गया था कि हम ये युद्ध नहीं जीतने वाले हैं, तो यूएसए ने अपने ट्रूप्स को वापस ले जाना स्टार्ट कर दिया वियतनाम से, और साउथ वियतनाम के ट्रूप्स की संख्या को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसी प्रकार से अफगानिस्तान में भी यूएसए ने, अभी आपको पता है, ट्रूप्स की संख्या को काफ़ी कम कर दिया है। यूएसए अफगानिस्तान सरकार की आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो लड़ें तालिबान से। अब यूएसए डायरेक्ट फाइट नहीं करता है तालिबान से। अब नेक्स्ट कोरिलेशन देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, वियतनाम में यूएसए बस वियतनाम को छोड़ के जाना चाहता था कि एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट हो, यूं ना कह दें पूरे वर्ल्ड के लोग कि देखो सुपर पावर यूएसए किस प्रकार से वियतनाम को छोड़कर भाग गया। तो यूएसए बस अपनी इज्जत बचाना चाहता था। उसी प्रकार से अफगानिस्तान में भी यूएसए कोई डील करके तालिबान के साथ अपनी इज्जत बचा के जाना चाहता है अफगानिस्तान से, ताकि वर्ल्ड में सभी लोग यूं ना कह दें देखो दुम दबा के भाग गया यूएसए। तो उस समय 1973 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएसए, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम के रिप्रेजेंटेटिव्स और वियतकोंग जो कम्युनिस्ट गोरिलास थे साउथ के, इन सब के बीच। इस एग्रीमेंट के बाद यूएसए वियतनाम को छोड़ के चला गया, यानी यूएसए के सारे जो सैनिक थे वो वियतनाम को छोड़ के चले गए। सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच, और पीस टॉक्स स्टार्ट हो गई नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच। 1973 में जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उस समय देखो यूएसए की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। नॉर्थ वियतनाम को भी पता था कि यूएसए बस जाना चाहता है, कैसे ना कैसे करके यूएसए से कोई भी बात मनवाई जा सकती है। उसी प्रकार से अभी फिलहाल अफगानिस्तान में जो बातचीत चल रही है, तालिबान को भी ये पता है कि यूएसए भागना चाहता है अफगानिस्तान से, तो यूएसए की पोजीशन काफ़ी वीक है। वीक पोजीशन से यूएसए नेगोशिएट कर रहा है तालिबान के साथ। आप समझ लीजिए कि यूएसए की पोजीशन कितनी वीक है। तालिबान अटैक करता जा रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन बावजूद यूएसए तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। तालिबान ने शर्त रखी कि हम अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम आपके साथ बातचीत तो करेंगे लेकिन इस बातचीत में अफगानिस्तान की सरकार को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यूएसए ने कहा ठीक है आप कर लीजिए, हम अफगानिस्तान की सरकार को बातचीत में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और जल्द ही यूएसए और तालिबान के बीच एग्रीमेंट साइन हो सकता है। एग्रीमेंट में ये डिसाइड होगा, हम यानी यूएसए के सारी फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ के चली जाएंगी, और जब सारी फॉरेन ट्रूप्स अफगानिस्तान को छोड़ के चली जाएंगी तो तालिबान बातचीत करेगा अफगानिस्तान की सरकार के साथ। इसके साथ साथ तालिबान को एक चीज़ ये इंश्योर करनी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। मतलब जैसे देखो अलकायदा ने 2001 में यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया था, तो अलकायदा ऑपरेट कर रहा था उस समय अफगानिस्तान की धरती पर,
और यूएसए ने तालिबान को यही कहा था कि ओसामा बिन लादेन को आप हमें सौंप दीजिए, लेकिन तालिबान ने नहीं सौंपा था। तो अब एग्रीमेंट ये होगा कि तालिबान अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान की धरती पर नहीं ऑपरेट होने देगा। अब नेक्स्ट कोरिलेशन की बात करते हैं। देखो 1973 में जब यूएसए वियतनाम को छोड़ के चला गया तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच बातचीत स्टार्ट हुई, लेकिन दो साल के अंदर अंदर नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर कब्जा कर लिया, यानी वियतनाम यूनिफाई हो गया। फिर से बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, 1973 में यूएसए छोड़ के चला गया साउथ वियतनाम को, और दो साल के अंदर अंदर नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम के ऊपर कब्जा कर लिया और वियतनाम यूनिफाई हो गया। उसी प्रकार से अब यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है, तो जल्द ही तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो सकता है। लेकिन देखो दुखद चीज ये है कि जब यूएसए वियतनाम को छोड़ के गया था, कम से कम सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया था नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच। यूएसए जल्द ही अब अफगानिस्तान को छोड़ के जाने वाला है, लेकिन सीज फायर एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ है। नॉर्थ वियतनाम ने जब साउथ वियतनाम पर कब्जा इस्टाब्लिश किया, मतलब यूएसए के जाने के बाद जब कम्युनिस्ट ने वियतनाम को यूनिफाई किया, जो बाउंड्री थी 17th पैरेलल नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच, उसे खत्म कर दिया गया, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने वियतनाम को डेवलप करना स्टार्ट किया। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने वियतनाम को इस प्रकार से डेवलप किया कि वियतनाम एशिया का एक पावर हाउस बन गया। लेकिन तालिबान के साथ ऐसा नहीं है। तालिबान का पिछला रूल आप देख लीजिए, 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान एंटी मॉडर्न है, एंटी वुमन है, एंटी माइनॉरिटी है। कहने का मतलब ये है, तालिबान अफगानिस्तान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तालिबान तो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है। तो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो टनल है अंधेरे की, वो और ज़्यादा लंबी होने वाली है अगर तालिबान सत्ता पर काबिज हो जाता है, क्योंकि यूएसए अब अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, वियतनाम वार और अफगानिस्तान के बीच क्या कोरिलेशन है, क्या सिमिलरिटीज हैं। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।